छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की गई है। इस चुनाव समिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस की चुनाव समिति को लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति तो एक मुखौटा है, चुनाव तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राइवेट आर्मी लड़ेगी। कांग्रेस ने आज चुनाव समिति घोषित की है, वो एक मुखौटा समिति है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के लड़ाके, उनकी प्राइवेट आर्मी, जिसमें तस्कर, माफिया, रेत चोर, सटोरिया, डकैत, तस्कर शामिल हैं, ऐसे सेना के लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये बिल्कुल जनता से हटकर चुनाव होगा, अपराधी बनाम जनता का चुनाव होगा, भ्रष्टाचार बनाम जनता का चुनाव होगा। आप देख लीजिए, कांग्रेस के जितने चेहरे हैं उन पर किसी न किसी तरह के आरोप मंत्रिमंडल में हमने लगाए हैं, तो आप देखिएगा कि इन्हीं तरह के चेहरों के बीच कांग्रेस चुनाव में जाएगी। और श्री भूपेश बघेल जी अपनी प्राइवेट आर्मी, जैसे येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस में प्राइवेट आर्मी बनाई है, वैसे ही उस प्राइवेट आर्मी के बलबूते वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी नक्शे में नहीं होगी, सिर्फ उनकी दादागिरी इस चुनाव में दिखेगी। तस्करों को और भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को भगाना है, पूरे दम के साथ फिर से कमल फूल खिलाना है, भाजपा सरकार बनाना है।